जय हिंद जय हिंद। देख रहे हैं ये सारे के सारे नए बच्चे हैं और इनको मैंने आज से ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है। वीडियो आपको पूरा दिख जाएगा, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे आपको वर्कआउट करना है। अगली बात, आप जो टी शर्ट देख रहे हैं ये आप ही के लिए है, मतलब कि आप इसे ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे। मैं आपको जल्द ही इसकी वेबसाइट बता दूंगा, आप कमेंट करके बताएं कि टी शर्ट कैसा लग रहा है। हालांकि आपको सबको पसंद आएगा, मिनिमम कॉस्ट रखूंगा, सबसे कम प्राइस में आप तक पहुंच पाए ये सारी टी शर्ट। इसके साथ में आपको टी शर्ट, शॉर्ट्स मतलब चड्डे और लोअर आपको जल्दी ही मिलना स्टार्ट होंगे, जिससे आप अपना वर्कआउट कर पाएं। आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मिलूंगा कपिल यादव फोर्स के नाम से। तो रनिंग की शुरुआत में आपको क्या करना है, चलिए बेसिक से मैं करवाना स्टार्ट करता हूँ। बच्चों को तैयार हो? यस सर। चलो जंप करना स्टार्ट करो, पंजे पे जंप करना है आप सभी को। एड़ी आपकी टच नहीं होना चाहिए, होल टच हैंड नहीं रहना चाहिए, हैंड मूव कर, हैंड मूव कर, ये हैंड ऐसे मूव करते रहना चाहिए, ज्यादा पंप नहीं मारना, ये घुटने या झुकने नहीं चाहिए, एड़िया आपकी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। राउंड जंप, देखिए शुरुआत में आपको वार्म अप करना है। जब आप वार्म अप करके रनिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपके मसल्स के अंदर कोई क्रैम्प नहीं आएगा और आपकी रनिंग जल्दी ही इंप्रूवमेंट होगी, आपकी रनिंग के अंदर जल्दी ही इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होगा। बटरफ्लाई आगे पीछे हो जाऊंगा, तो जनरली जो रनिंग करने का बेसिक जो तरीका होता है उसमें होता है आपको पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करना रहता है, स्ट्रेच करना रहता है। ओके कूल, अब स्ट्रेच करो, थोड़ा जल्दी करो स्ट्रेच, मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी रहती है जिससे आपके मसल्स के अंदर कोई क्रैम्प नहीं आता है। तो ऐसे आपको स्ट्रेचिंग करना, ओनली स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग ऐसे जैसे स्ट्रेच करो, एंकल होल्ड करो, होल्ड करके रखो, डाउन करो। ओके कूल, अब ये बॉडी को घूम करो ऐसे, राइट लेग तरफ डाउन करो, जॉइंट की आपको एक्सरसाइज कर लेनी है, अदर साइड, अदर साइड ऐसे आपको जॉइंट की एक्सरसाइज कर लेनी है, ठीक है। ओके कूल, अब लेग अप करो ऐसे और चेस्ट तक टच करो, चेस्ट तक, चेस्ट, ग्रेट, होल्ड करके रखो। ओके ऐसे ही मूव करो इस लेग को, यहाँ से ऐसे करना है ताकि साइड से ये पैर जो भरा हुआ है वो एकदम हल्का हो जाए। अदर लेग ऐसे उठाओ, चेस्ट तक टच करो जल्दी, गुड साइड, ठीक है। ओके नॉर्मल हो जाओ। तो दोस्तों ये हो चुके हैं रनिंग के लिए तैयार, चलिए अब करते हैं हम रनिंग की शुरुआत। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बारिश का सीजन है, ग्राउंड पे हम दौड़ नहीं पा रहे हैं, तो इन बच्चों की शुरुआत में ही रनिंग में रोड पर करवा रहा हूँ। रोड पर आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको पैर को ज्यादा तेजी से रोड पे नहीं मारना है। आप शुरुआत कर रहे हैं रनिंग की तो आपको ज्यादा नहीं, आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर रनिंग करना है, बेसिक, इसमें कोई स्पीड नहीं होगी। हाँ एक बात का आप ध्यान रखें कि मुंह बंद करके रखना है, नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना, ठीक है। हैंड आपके ब्लॉक में रहेंगे, हैंड सही से चलते रहेंगे, साथ में रहे और इन दो बातों का ध्यान रखें, ज्यादा तेजी से पैर नहीं मारना है, मुंह से मुंह को खोलना नहीं है, नाक से नहीं, तो सारा सारा सांस का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो आपको शुरुआत में हल्के कदमों से रनिंग करना स्टार्ट करना है, चूंकि आप रनिंग ग्राउंड पर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मिट्टी के ग्राउंड पर करते तो हम आपको स्टार्ट से पहले ही दिन से आपको थोड़ा टफ ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन आप टफनेस यानी कि रोड पर हार्ड जगह पर रनिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको हल्के कदमों से रनिंग करना है। आपको सांस नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है, मुँह से आपको बिल्कुल सांस का उपयोग नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ में आपको बता रहा हूँ, अगर आप रनिंग अच्छा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन सभी बातों को फॉलो करें और इसके ही अकॉर्डिंग रनिंग की शुरुआत करें। और कोशिश करें कि रोड पर दौड़ते वक्त आप सावधानी पूर्वक दौड़े ताकि वाहन से आपको कोई चोट नहीं पहुंचे, इन बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो पहले दिन आपको 1500 से 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक आप बेसिक रनिंग कर सकते हैं, जैसा कि ये बच्चे कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो गई है तो ये बेसिक नीड है आपकी, जब रनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ऐसे आपको हाई नी बाउंस लगाना है। देखिए ये बच्चे कैसे लगा रहे हैं हाई नी बाउंस, ये आपकी मसल्स को जल्दी रिकवर करेगा और आपको रनिंग में फायदा देगा। तो ये आपको ऐसे हाई नी बाउंस लगाना है बिगनर्स को। सेकेंड आपको ऐसे ड्रिल करना है, लेग ड्रिल करना है,
हाइनी बाउंस लगाने के बाद देखिए लेग ड्रिल कर रहे हैं बच्चे, ऐसे आपको ड्रिल कर लेना है। तो दोस्तों रनिंग करने के बाद आपको ये एक्सरसाइज करना है ताकि आपके पैरों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो, और इस एक्सरसाइज को आपको कम से कम 30 सेकंड तक कंटिन्यू करना है। अब आपने ड्रिल कर लिया, उसके बाद आपको नॉर्मल बेसिक जंप्स करना है, कम से कम 10 to 15 जंप करें आप ऐसे जैसे बच्चे कर रहे हैं, ऐसे आपको जंप करते रहना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है। तो जैसा कि आपने पहले दिन के सेशन में रनिंग कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, अब आपको रिलैक्स करना है अपनी बॉडी को, मसल्स को रिलैक्स करना है। रिलैक्स में सबसे पहले ABC हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट, फर्स्ट एक्सरसाइज, ऐसे आपको मसल्स को लूज कर लेना है। देखो ये बच्चे जैसे कर रहे हैं ऐसे ही आपको मसल्स को लूज करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ये काफ़ी फायदेमंद, आपको बहुत फ़ायदा होगा इन एक्सरसाइज से आप करेंगे तो, और आपको लास्ट में बताऊंगा कि बच्चों को कैसा क्या लगा। सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड, देखिए बच्चे के काप मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, ये ऐसे आपको लूज कर लेना अपने काप। देखिए इसके काप कितने मूव कर रहे हैं ये तो ऐसे आपको मसल्स को रिलैक्स कर लेना है इसके। तो दोस्तों ये रहा पहले दिन का वर्कआउट, कैसा लगा आप सभी को वर्कआउट? अच्छा लगा, अच्छा लगा। इन बच्चों को अच्छा लगा है क्योंकि पहले दिन से हमने बेसिक से स्टार्ट करवाया है, ये मान लीजिए कि जीरो से स्टार्ट किया है, तो आप भी इन वर्कआउट को करना स्टार्ट कर दीजिए। अगली बात, आप जो टी शर्ट देख रहे हैं ये आपको अब अवेलेबल मिलेगी, मतलब कि आप ऑनलाइन इस टी शर्ट को परचेज कर पाएंगे। FDA यानी कि स्पेशल फोर्स, ये मेरा खुद का ब्रांड है जो कि आपको, मतलब कि काफ़ी बच्चे उम्मीद करते हैं स्पोर्ट्स के, उनको कपड़े नहीं मिल पाते, टी शर्ट खूबसूरत सी टी शर्ट नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए मैंने अपना एक खुद का ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ मैं, मतलब कपड़ों के रूप में। आपको लोअर टी शर्ट और शॉर्ट्स जल्दी ही अवेलेबल होंगे, मैं साइड आपको बता दूंगा, अगर आपको चाहिएंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप परचेस कर पाएंगे। अंत में एक ही बात बोलूंगा, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मिलूंगा कपिल यादव फोर्स के नाम से। तो जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, फिर मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ। जय हिंद।